पश्चिम बंगाल में फिर चुनावी हिंसा। नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की मौत के बाद जबरदस्त बवाल। उपद्रवियों ने कई बीजेपी समर्थकों के घरों में लगाई आग। इलाके में बढ़ा तनाव। नंदीग्राम की हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, टीएमसी के हमलावरों ने ली जान, बताया जिहादी। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में बांग्लादेश सांसद की हत्या को लेकर संसदीय खेस खुलासा। गला दबाकर हत्या करने के बाद शव के किए गए टुकड़े टुकड़े। पुलिस के अनुसार सांसद अनवारुल अजीम की हत्या 13 मई को न्यू टाउन स्थित फ्लैट में की गई थी। 14, 15, 18 मई को शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की कोशिश। इस मामले में 3 को बांग्लादेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार के कहने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने हत्या की जांच के लिए किया एसआईटी का गठन। पुलिस को शक, शव ठिकाने लगाने में 2 आरोपी शामिल, फिलहाल दोनों फरार। बांग्लादेश सांसद मर्डर केस को लेकर बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। कोलकाता प्रशासन पर भी बोला हमला। वादी मालीवाल मामले में केजरीवाल के माता पिता से थोड़ी देर बाद पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस। पत्नी सुनीता केजरीवाल से हो सकते हैं सवाल जवाब। आप सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल के माता पिता से मिलने का समय कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास जा सकती है दिल्ली पुलिस। सूत्रों के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने दिए मालीवाल के बयान के आधार पर केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ। मालीवाल ने कहा कि उस दिन केजरीवाल के माता पिता भी थे वहां मौजूद। केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ से पहले मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और संजय सिंह उनके आवास पर पहुंचे। सीएम आवास में मारपीट के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। बोले मामले में हो रही निष्पक्ष जांच, जल्द मिलेगा न्याय। चुनावी दांव पेच के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को किया रद्द। सीएम ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को मानने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है ममता। हालांकि जिन्हें भी ओबीसी प्रमाण पत्र के तहत नौकरी मिली उनकी किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं। सीएम ममता ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। कहा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शुरू किया गया ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। अदालत के आदेश में बोली सीएम ममता। कहा घर घर सर्वे के बाद विधेयक तैयार किया गया, इसे कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित भी किया जा रहा था। आप सांसद संजय सिंह ने भी सवाल जवाब को लेकर किया हमला। बोले बूढ़े और बीमार माँ बाप को तंग करना कायरता। मंत्री आदर्श ने सीएम केजरीवाल को बताया श्रवण कुमार। बोली दिल्ली के श्रवण कुमार अरुण केजरीवाल के माता पिता के साथ हो रहा अन्याय। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने श्रवण कुमार बनके दिल्ली के हजारों बुजुर्गों को देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ यात्रा करवाई। सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की रिमांड का आज आखिरी दिन, कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री के रेस से खुद को बताया बाहर। बोले छोटी पार्टी, आप केवल 22 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बंगाल में चल रहे ओबीसी कोटे के विवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को घेरा। ओबीसी प्रमाण पत्र देने को बताया वोट बैंक की राजनीति। दिल्ली के द्वारिका में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। बोले हाईकोर्ट का आदेश एनडी गठबंधन की तुष्टिकरण नीति पर तमाचा। गृहमंत्री शाह ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। ममता पर निशाना। बोले ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती थी मुख्यमंत्री, इसलिए मुस्लिमों को दे दिया आरक्षण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ की। ममता सरकार पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकंस्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टिकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। पंचकुला में मिनी ट्रक में सवार हुए राहुल गांधी ऑडिटोरियम से हेलीपैड तक पहुंचे, लोगों से की बातचीत। एक दिन पहले पंचकुला में राहुल गांधी का बड़ा कबूलनामा। कहा बचपन से मैंने सिस्टम के अंदर से देखा है, निचले तबके के साथ हमेशा होता रहा है अन्याय। कैसे चलता है, मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है। राहुल पर दिल्ली की रैली में पीएम मोदी का तंज। कहा कांग्रेस के शहजादे ने एक बार बहुत बड़ा सच स्वीकार किया है। कांग्रेस शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया दावा, इस बार कम से कम 300 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, बनाएंगे सरकार। वेणुगोपाल का दावा, बोले देश भर में गठबंधन करेगा बेहतर प्रदर्शन, बीजेपी की हालत खराब। राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी के सवाल पर जयराम रमेश बोले अपनाएंगे 2004 का फॉर्मूला, सबसे बड़ी पार्टी से होगा पीएम उम्मीदवार।
दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। 7 सीटों पर वोटिंग से पहले फर्जी मतदान को लेकर लिखी चिट्ठी, कहा चेहरा ढककर आने वाले वोटर्स की हो जांच। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने की मांग। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का चुनाव प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के लिए मांगा वोट। असम के मुख्यमंत्री हेमंत का देवघर में चुनाव प्रचार, कहा अगर देश में राजनीति करनी है तो जय श्री राम बोलना होगा, जेएमएम को दी चुनौती। जो भी बोले लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा, ये आप याद में रखिए। आज ओडिशा के संबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। राहुल गांधी वरुण गांधी की तुलना पर मेनका गांधी का बयान, कहा सबके अपने अपने रास्ते, अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे। चुनावी रण के बीच आज हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा, हरियाणा के बाद पंजाब में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आज ओडिशा में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की 4 चुनावी सभाएं, मयूरभंज में रैली, दोपहर 1 बजे भद्रक, 2:30 बजे जाजपुर और शाम 4 बजे जगत सिंहपुर में रैली। आज अंबेडकर नगर दौरे पर गृहमंत्री शाह, वहां से बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में करेंगे जनसभा। आज राहुल गांधी की दिल्ली में कई रैली, उत्तर पूर्वी दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होंगे शामिल। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बड़ा आरोप, कहा हम पर बीजेपी में शामिल होने का बनाया गया था दबाव। हेलीकॉप्टर से केक काटते नजर आए थे तेजस्वी यादव, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, चुनाव में 200 रैली पूरा होने पर काटा गया केक। जेडीयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना, पार्टी नेता नीरज कुमार बोले तेजस्वी केक खाते रहे लेकिन वो राजनीतिक रूप से शून्य पर ही रहेंगे। तेजस्वी पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा बात समाजवाद की करते हैं, हेलीकॉप्टर में केक काटते हैं। सारण में मतदान के बाद हिंसा मामले में आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पर दर्ज हुई FIR। रांची में प्रियंका गांधी का दिखा अनोखा अंदाज, आदिवासी महिलाओं के साथ झूमती दिखाई दी प्रियंका गांधी। पुणे केस में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर कानून का शिकंजा, 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा। पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के गिरफ्तार पिता की पुलिस वैन पर लोगों ने फेंकी स्याही। पुणे केस में सियासत तेज, उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने यरवदा जेल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। पुणे में अवैध पब के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई, पीएमसी के बुलडोजर ने 2 बार किया जमींदोज। दिल्ली में सीएम भजन लाल शर्मा ने की रैली, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मांगा वोट। सोनीपत में ट्रिपल हत्याकांड से सनसनी, बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी समेत बच्चे की हत्या की। मुंबई के फैशन डिजाइनर आदेश वाजपेयी की हत्या का 16 साल बाद आया फैसला, हत्यारे को आजीवन कारावास। नागौर में बच्ची को डरा धमका कर किया दुष्कर्म, फिर वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। पुणे एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नागपुर में औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों की स्याही और पेंट जलकर खाक। उज्जैन में कैंडी गेट मार्ग चौड़ीकरण के लिए प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, विरोध से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात। शिवपुर में सौतेले पिता ने 12 साल की बेटी का किया रेप, मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। महाराष्ट्र के वाशिम में खड़े ट्रक से टकराई एम्बुलेंस, हादसे में डॉक्टर की मौत, ड्राइवर घायल। सहारनपुर में छात्रा की गला रेतकर हत्या, खाली पड़े प्लॉट में मिला शव, सीसीटीवी की मदद से जांच तेज। आगरा के किसी बाजार टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग से मचा कोहराम, कई दुकानें जलकर खाक, माल जलकर स्वाहा। आग लगने से बाजार में अफरातफरी, आसपास की दुकानों को कराया गया खाली, सिलेंडर फटने की खबर। पंजाब के फजलका में 1.5 किलो अफीम सहित 3 स्मगलर गिरफ्तार, 2 अलग अलग नाकेबंदी, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले ईरानी राष्ट्रपति रईसी को लद्दाख में दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। यूपी के बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी, मां पटेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़, बुद्ध पूर्णिमा पर दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु, पीएम ने दी शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, काशी के घाटों पर लगी भारी भीड़। कोलकाता में हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, बारिश में मस्ती करते दिखे बच्चे। तमिलनाडु के करूर में बारिश के चलते बाढ़ जैसा हालात, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बारिश। केरल के एर्नाकुलम में जमकर बारिश, सड़कें बनी सैलाब।